इतने टाइम के लिए चलेगी नहीं, इसको छोटा कूलर साथ लेके ले जाना। अभी शकरकंदी ले रहे हैं और हम यहाँ पे शॉपिंग करने कब से इंतजार कर रहे हैं। दो सिस्टर घूम गई हैं, सिस्टर भी घूम गई है, मामा भी घूम गई है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? काफ़ी पसीना आया हुआ। खैरियत, आज जुम्मा है, अजान हो चुकी है। यहाँ पर मैंने बच्चों की शलवारें कमीज़ें इस्त्री करके रख दी हैं और यहाँ पर मेरा अपना सूट भी निकाल लिया मैंने, और बस अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने वाले हैं। पता चल रहा है आपको बहुत नींद भी आ रही है और पसीनों पसीन भी हुआ है मेरा बेटा। उठ जाओ जल्दी से। और अभी मुस्तफ़ा को मैंने नहलाना भी है। उसमें ये क्या किया, मुँह पर दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। आज जुम्मा है, आप सबसे कहूँगी कि जुम्मा मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत। अबली को मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और उसके अलावा आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई हुई है। हस्बैंड ने बोल बोल के मेरे सर में दर्द है, मेरी आँखों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, और आज मेरी भी आंखों में और सर में दर्द शुरू हो गया। मुझे लगता है मेरी आंखों ने उनकी रीस की है। खैरियत होती बोंगी और सच वाली बोंगी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर अहमद भी रेडी हो चुके हैं। मैंने अभी तक बर्तन नहीं धोए, मैं बर्तन धोने लगी हूँ। ये कैसे काट रहे हो, हाथ कट जाएगा। और इब्राहिम तो आते ही सो गए। अस्सलाम वालेकुम, आगे नमाज पढ़। आपको भी जुम्मा मुबारक और सब व्यूअर्स को भी जुम्मा मुबारक। हाँ जी, ये क्या, काफ़ी पसीना पसीना हुआ है, पानी दूँ ग्लास? चलो बैठे, मैं पानी देती हूँ। हस्बैंड सेब लेकर आए थे तो मैंने सोचा उनको मैं सेब का जूस बना दूँ, और सेब मैं बीच में डालती जाती हूँ वन बाय वन। वाओ, हमारा फ्रेश एप्पल का जूस रेडी हो चुका है और ये बहुत हेल्दी है, आप लोग भी ज़रूर पिया करें। घर में एक साइंटिस्ट है जो सारा दिन कॉपियों, पेंसिल और जो गत्ता मिले, जो चीज़ बॉटल्स मिले, उसके साथ जो है टेक्निक करते रहते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया, उन्होंने ये ऐसे टूटी पे लगाया कि पानी मामा आपको बीच के बजाय थोड़ा उड़ के आता नजर आएगा। वाह, जबरदस्त। सबको कहते हैं कि जिसको भी ये प्लम्बर का काम चाहिए ना तो अहमद को बुला लें। अच्छा अच्छा, लगा दिए हम लोग। जल्दी जल्दी से बस खाना खाएं, बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तकरीबन 4 बजने वाले हैं। जल्दी खा लो खाना, आजकल हमारा खाना बहुत लेट हो रहा है। बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, 4 बज रहे हैं, उनका ट्यूशन का टाइम हो चुका था और हस्बैंड उन्हें ट्यूशन छोड़ने गए हैं। मम्मी की तरफ जाने लगे, वहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है तो मेरी उनसे वहाँ पर मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि अम्मी का घर मेरे घर से बहुत करीब है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब भी कोई सिस्टर आती हैं तो मैं उनसे मिलने वहाँ चली जाती हूँ, या वो मुझसे मिलने यहाँ आ जाती हैं। और उसके अलावा अम्मी से भी मेरी डेली बेस पे मुलाकात हो जाती है, ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा ये कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे जल्दी से जाके फॉलो कर दें। और उसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ओए आप आई हो? हेलो, आज भाभी ने बनाई है जजाकल्ला चाय, आज बहुत मज़े की, साथ में एक बाकर खाने भी मैं खाऊंगी। और यहाँ पर तो पुलाव भी है, जो यहाँ पर ये गेस्ट आए हैं ना, ये इनके है। जी तो हम लोग आए हुए हैं वॉक करने और साथ में इब्राहिम की ट्यूशन टीचर को पैसे देंगे, फीस वगैरह देनी थी, तो हम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग दरवाजे पे इंतज़ार कर रहे हो मामा का? अल्लाह से आज अम्मी के घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं और यहाँ पर आई है मेरी बड़ी आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काफ़ी टाइम बाद आना हुआ? मैं भी कह रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। असल में बच्चों के एग्जाम वगैरह हो रहे हैं ना, बच्चों की पढ़ाई मसरूफियात रहती है। और यहाँ पर बैठे हुए अब्बू जो खुश हैं कि आज बच्चियाँ ही बच्चियाँ आई हुई हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, जब मेरी बच्चियाँ सारी इकट्ठी होती हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और मेरा जो है ब्लड बढ़ जाता है। ब्लड कह ले, आयरन कह ले, खून कह ले, सब भर जाता है। हस्बैंड आ चुके हैं अम्मी लोगों की तरफ, अब्बू और ये बातें कर रहे हैं और अब्बू पूरा गाइड कर रहे हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चले पता चल गया क्या खाएंगे क्या नहीं। अब तो डाइटिंग नहीं करेंगे ना? पहले भी नहीं कर रहा था मैं डाइट, बस कर दे। रोटी कम कर दी थी आपने, खाना पीना कम कर दिया था कि मैं थोड़ा स्मार्ट लग जाऊँ, है ना? हाँ, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। स्मार्टनेस, हाइट इतनी अच्छी है बिलाल को, नहीं इनको हुआ ये करना इशू है ही नहीं। इनको ये था कि मैं ना कहीं मोटा ना हो जाऊँ तो मैं अपना केयर कर लूँ, ख्याल कर लूँ, उस चक्कर में इन्होंने रोटी कम कर दी और ऊपर से बीमार हो गए। और जब बिलाल मोटा नहीं हुआ तो थोड़ा टम्मी का मत।
असल में जो है ना बिलाल की खुराक भी जो है रबिया खा जाती। आप कितनी खाती हैं रोटी? मैं जितनी भूख होती रज के खाती हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और बहुत कम खाता हूँ इसीलिए मेरी जो है ना सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है और मैं सेट हूँ। शाबाश। अंडे को जो है ना दिन में 20 गिलास जो है पानी के पीने चाहिए। हाँ, इंटेक ऑफ वाटर जो है वो अच्छा होना चाहिए। आप बताएं शूट पर कितना पानी पीते हैं, कितनी बोतलें मिलती हैं शूट पर पानी की? आधा गिलास एक गिलास पूरे दिन में। अबू ये बिल्कुल पानी नहीं पीते। बोतल तो इतने टाइम के लिए चलेगी नहीं, इसको छोटा कूलर साथ लेके तो अमीनों के घर में मेहमान आए हुए, गेस्ट आए हुए थे। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और साथ में भाभी ने जो है वो चिकन अचार बना रही है और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा चिकन अचार, रात को खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है और झटपट से चाय बनती है तो हम सब गेस्ट को देंगे और आज अम्मी के घर में खूब रौनक लगेगी। गर्म चाय अब हम जाके देंगे गेस्ट को और चीनी मैंने सेपरेट रखी है, जिसे जितनी डालनी होगी वो डाल देंगे। और आज घर में काफ़ी रौनक और शोर शराबा आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। ये मुस्तफ़ा को देखिए क्या कर रही हैं, बैठ के क्या कर रही हैं। निम्को कौन देख के खाता है? खैर एक दफ़ा बीजों में मक्खी का सर निकलाना भाई। आए है, ना करो। अच्छा ये वही आप ही में आदत है, चुन चुन के खाती है और बीच में से कुछ ना कुछ निकलता है। मैं कहती हूँ बहुत मजा आता है जब आंखें बंद करके खाओ। सेहत की सेहत। मैं वहमी में तो हर चीज देखती हूँ, मैं अपनी A few moments later. सब लोग अम्मी के घर आए थे और अचानक से हमारा प्रोग्राम बन चुका है कि हम बाजार जाके कुछ ना कुछ शॉपिंग करें। किसी ने कुछ लेना था, किसी ने कुछ लेना था और मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ लेना था। तो अब हम आ चुके हैं बाजार और यहाँ पर हम आप ही का वेट कर रहे हैं। वो पैसे लेने गई हैं, जैसे ही आते हैं तो फिर हम लोग करेंगे शॉपिंग। वो देखिए वो खड़े हुए शकरकंदी ले रहे हैं और हम यहाँ पे शॉपिंग करने कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। अंधी जब तक कुछ खा पी ना ले इसे आराम नहीं आता। और वो हमारी दोनों की मम्माएं आगे निकल गई हैं, हमें पीछे छोड़ दें। अच्छा ये नहीं मम्मा है, आप इसको पेट्रोल डलवाए बगैर नहीं चलती। नहीं इसका डीजल लाजमी है यार। मस्त जोक मारा रे। लोगों ने शॉपिंग कर ली है, दो सिस्टर घूम गई हैं, सिस्टर भी घूम गई है, मामा भी घूम गई है और इनकी बड़ी बेटी भी घूम गई है। अब हम कहाँ ढूंढे उन्हें? 2000 years later. मैं और आप ही कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं और ये जनाब यहाँ ऊपर आके बैठी है, यहाँ पर बैठी है। और इसका बताए बगैर क्यों गए? बताए बगैर क्यों गए? वो नानो मैं वहाँ पर बोर होने पीने में लगता टाइम लग गया फिर नहीं बोर होगी। कितनी देर से हम ढूंढ रहे, सब जगह ढूंढ रहे थे। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होना इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कलर मैच होगा और कौन सा नहीं। हम आए हैं कुछ शॉपिंग मेकअप की करने और बहुत ही खूबसूरत सी कलेक्शन यहाँ पर नेल पॉलिश की भी है। और ये लें आप। 2000 years later. आज मैं शॉपिंग पे चली गई थी और खाना मैं बना नहीं सकी। तकरीबन 11 बजने वाले हैं, अभी हस्बैंड पिज्ज़ा और रोल पराठा वगैरह लेकर आए हैं तो हम लोग ये खाने लगे हैं। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। आखिर मैं यही कहूँगी, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे जाकर फॉलो करें। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देते हैं आप। अगर नीचे देखें ना तो थम्स अप बना होगा लाइक का निशान, उसको खाली प्रेस करना है। Okay. मुझे इजाजत दे, मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइन दे, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, मैंने सही नहीं पकड़ा। अच्छा लाइन दे, गिरेगा गिरेगा गिरेगा। यार मैं छोड़ दूंगा तो। नहीं नहीं दो मिनट पकड़े, मैंने भी कैमरा पकड़ा हुआ ना एक हाथ से। अच्छा लाइन दे, गिरने लगा था ना, गिर रहा था यार सच्ची में। थैंक यू।